students, I am CA Harshada Raswani from HR Institute of Studies. Today we will be continuing chapter number 7 of science for standard 6 student. The name of the chapter is Getting to Know Plants, right? So students, in our earlier session we have studied about leaf. What are the part of the leaves? Lamina, petiole, right? Leaf venation ke baare mein bhi padha tha apne, veins ke baare mein padha tha, phir roots ka concept bhi apne start kara tha, aur last mein ye point pe end kiya tha ki leaves jo hai plant ko anchor kar, sorry, roots jo hai plant ko anchor karte, matlab roots ke karan plant soil mein acche se tike rehte, theek hai? अब इस चीज को आगे लेते हुए मैं आपको बताती हूँ फाइबरस रूट और लेटरस रूट्स, ठीक है? हम रूट्स के दो टाइप कर रहे हैं. वन इज फाइबरस रूट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, वन इज लेटरल रूट एंड द अदर वन इज फाइबरस रूट. अब दोनों में क्या फर्क है? ओके, आपको फिगर दिख रहा है 7.7, उसमें कुछ दो आपने रीड्स लिए हैं उस एक्टिविटी में और इस टाइप के रूट्स है. देखो पहले का रूट्स कुछ ऐसा है, सेंटर में जैसा कुछ है और दिस समवॉट लाइक दिस, ठीक है? मतलब ये एक मेन रूट है और फिर ये दूसरे रूट है. सेंटर में मेन रूट है और फिर दूसरे रूट है, और दूसरे वाले में ना कोई मेन रूट नहीं है, कोई भी कहां से जा रहे, कोई भी मेन रूट नहीं. तो जो पहले वाला फिगर है द मेन रूट, इसमें जो मेन रूट है उसको हम टैप रूट बोलते हैं और जो स्मॉलर रूट होते हैं उसको हम लेटरल रूट बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेन रूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट, और ये जो दूसरे स्मॉलर रूट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल रूट, ठीक है? ओके, प्लांट्स विद रूट, सॉरी, प्लांट्स विद रूट एज शोन इन फिगर 7.17b, ये वाला. ये दो फिगर के थ्रू आपको समझना है. ये फिगर में एक सेंटर से रूट जा रहा था और फिर अलग अलग रूट्स आ रहे थे, तो जो एकदम मेन रूट था उसको बोलते टैप रूट और बाकी जो रूट्स है उसको बोलते लेटरल रूट. और इस टाइप का जो रूट पैटर्न होता है जिसमें कोई सेंटर मेन रूट नहीं होता, सब रूट ऑलमोस्ट सेम होते, उसको हम लोग बोलते हैं फाइबरस रूट. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन इस चीज को करने वाले, अपन ने ये पढ़ा कि रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. अपन ने रूट्स के बारे में क्या पढ़ा कि भाई रूट्स है ना क्या करते हैं, रूट्स सॉइल से पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. सॉइल में वाटर और मिनरल है, वो प्लांट की लीफ तक पहुंचने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचने के लिए कौन सबसे पहले उसको अब्सॉर्ब करता है? रूट्स. तो रूट का काम है इट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, राइट? उसके बाद एंड स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव. अब सॉइल से रूट्स में आ गया, अब रूट्स से कहां पे जाएगा? रूट्स से वाटर एंड मिनरल जाते हैं स्टेम. स्टेम कंडक्ट करता है, स्टेम कंडक्ट दोज टू लीव एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अब स्टेम क्या करेगा? स्टेम वाटर और मिनरल्स को लेके जाएगा लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है? अब क्या हो गया, अब लीव्स के पास वाटर मिनरल्स आ गए, लीव्स को ऑलरेडी सनलाइट तो मिल जाएगी, क्लोरोफिल तो उनमें ऑलरेडी होता है, तो वो क्या बनाते हैं? खुद का खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ये हो, लीव्स के पास अब सब सामान इकट्ठा हो गया, सो लीव्स विल प्रिपेयर इट्स फूड, ठीक है? वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे. अब ये उन्होंने खाना बना के अपने पास रखेंगे नहीं, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेजेंगे. अब ये चाहता है फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में. कौन लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में? वाया स्टेम. अब स्टेम क्या करता है? इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फूड लेके जाता है, ठीक है? वीट सम ऑफ दीस इज रूट्स लाइक कैरेट, रैडिश, स्वीट पोटेटो, टर्निप, टेपिको, ये सब क्या हम लोग रूट्स कंज्यूम करते हैं. तो अगर ऐसा कुछ आपको एग्जाम्पल गिव नेम ऑफ द प्लांट्स हूज रूट्स आर कंज्यूम्ड एज फूड, जिसके रूट्स को हम खाते हैं, तो है पोटेटो, स्वीट पोटेटो, रैडिश, कैरेट, टर्निप, टेपिको. We also eat many other parts of the plant where food is stored. ठीक है, मतलब in short क्या हुआ? Soil में water mineral था, leaves को खाना बनाता था. Soil से water mineral roots में अपने में absorb किए,
स्टेम ने उसको खुद में लिया और उसको ऊपर ले लिया लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास. लीव्स को वाटर और मिनरल मिलके उनके पास ऑलरेडी सनलाइट तो थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, फिर उन्होंने खुद का खाना खुद बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये खाना बांटेंगे तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और बांटने का काम कौन करता है? स्टेम. ठीक है, और हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कंज्यूम करते हैं फूड. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, स्टेम्स लाइक अ टू वे स्ट्रीट है ना, टू वे स्ट्रीट है ना. पहले तो वो क्या करता है, एक रास्ते से वो वाटर और मिनरल ऊपर लेके जाता है, दूसरे रास्ते से वो बना हुआ खाना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है. तो ये स्टेम को टू वे स्ट्रीट बोल सकते हैं. तो अगर आपको पूछे ट्रू ऑफ कोर्स लिखें स्टेम बी कॉल्ड एज अ टू वे स्ट्रीट, तो आप लिखोगे यस. और अगर किसी से हमें पूछे हाउ कैन इट बी सेड दैट द स्टेम इज अ टू वे स्ट्रीट, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है. तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि स्टेम इज अ टू वे स्ट्रीट बिकॉज वो वाटर और मिनरल दूध से मतलब सॉलिड से लेके जाता है दूध लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और लीव्स में जो खाना बनता है वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का काम होता है स्टेम का. तो स्टेम इज अ टू वे स्ट्रीट, ये हमने पूरा पढ़ा. क्लियर? ओके, अब अपन डायरेक्टली आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे. अपने देखो कौन कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट पढ़ा था, जस्ट मतलब ओके. सो सबसे पहले स्टेम से स्टार्ट किया था, फिर लीफ भी पढ़ लिया अपने, फिर अपने रूट्स पढ़ लिया, और अपना जो फोर्थ पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो है फ्लावर. ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो ये जो था पूरा टैप रूट, मेन रूट, लेटरल रूट, डिफरेंट डिफरेंट रूट विच लुक सिमिलर टू ईच अदर विच इज फाइबरस रूट, एंड दिस एंटायर कांसेप्ट हाउ फूड इज मेड एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड आई थिंक वी कैन कंक्लूडेड दैट स्टेम इज अ टू वे स्ट्रीट. ठीक है, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज फ्लावर. ओके, सो बेसिकली फ्लावर की वो पार्ट होता है जहाँ पे पॉलिनेशन होता है. सो ये जो पार्ट है ना उसको तो ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ये सभी स्थान पे भी आपको आएगा. ओके, तो ये सब बेस अभी क्लियर करते हैं. सेवन के दोनों स्टैंडर्ड में एक कार के पार्ट पिस्टल ये सब आते हैं स्टेम में, उससे मैं आपको बताऊँ. ठीक है, फ्लावर you are shown three branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. आपको तीन टाइप की ब्रांचेस आपको देखनी है, which will help you to best recognize the plant. Okay, बहुत सिंपल सा आपको बताया है, पहले से भी कैसे सिंपल ब्रांच बना दी है, दूसरे में से ब्रांच बनाई है और ऐसे लीव्स बना दी है, दूसरे में से ब्रांच बनाई है, लीव्स बनाया है और यहाँ पे रोज का फ्लावर बनाया है. मेरा फ्लावर दूसरे सा नहीं होगा, थोड़ा समझ लेना. तो आपको तीनों में से कौन सी ब्रांच को देख के पता चल जाएगा कि रोज फ्लावर है? Isn't it obvious? Because इसमें रोज है. Okay. So, देखो इसमें फर्स्ट क्या है, लीफलेस ब्रांच, ब्रांच इसमें लीव्स ही नहीं है. सेकेंड है ब्रांच विद लीव्स, एंड थर्ड है ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स. ठीक है, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर? चलो बस इसमें इतना से बताया. अब अपन एक्टिविटी नंबर 10 देखते हैं. We would require one bird and two fresh flower each of any of the following: datura, China rose, mustard, brinjal, baby finger, bulbul. Also, lay the grass slide on a sheet of the paper. ठीक है, apparatus ready करने को बोला है. Observe figure 7.20 carefully. Look at the prominent part of the open flower. These are called petals. ठीक है. Okay. मेरे पास मैं एक रफ फिगर बना रही हूँ, because आपकी नेक्स्ट में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, सो उससे देखना ज्यादा प्रेफर करना, बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ग्राफ पेपर बना देती हूँ. फ्लावर के बर्ड में एक कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ग्रीनिश कलर का. ये जो ग्रीनिश कलर का आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेपल. इसको बोलते हैं सेपल, ऐसे ऐसे लटका हुआ थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा ऐसे ऊपर. ठीक है, तो ये जो ग्रीनिश पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा है ये है सेपल. ठीक है, और पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स तो बहुत ऑब्वियस है, जो पूरा इसमें फ्लावर आएगा, और जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं ब्रूटी कॉलेज पेटल्स. तो सेपल्स और पेटल्स बहुत डिफरेंट है. तो जो बर्ड का एकदम ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, जब फ्लावर पूरा नहीं बनता छोटा सा होता है उसको सेपल बोलते हैं, और फ्लावर के जो पत्ते पेटल्स होते हैं उसको अपन पेटल्स बोलते हैं. ठीक है, Where do you think the petals are close bud, which is the most prominent part in the bud? Did you see this part is made up of smell leaf-like structure?
दे आर कॉल्ड सेपल. तो जो पेटल्स है वो किससे कनेक्टेड है? सेपल से. जो पेटल्स है वो किससे कनेक्टेड है? सेपल से कनेक्टेड है. ठीक है, ओके जस्ट टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल. नाउ आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, आप होमवर्क में कर देना. हाउ मेनी सेपल डज इट हैव? एकदम बेसिक एक्टिविटी है. ओके, मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास. एड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल फ्रॉम द टिप. ठीक है, इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तीन चार पैराग्राफ खाली. एक एक्टिविटी जिसमें आपको फ्लावर कलेक्ट करना है, उसके पेटल और सेपल को सेपरेट करके ऑब्जर्वेशन करना है. ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं लास्ट सेकेंड पैराग्राफ पे. To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. बोला अगर आपके फ्लावर का अंदर का पार्ट दिखना है तो आप उसको कट ओपन कर लो. If its petals are joined, for example, in datura and other bell-shaped flower, petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part of the plant can be seen clearly. Remove the sepal and petal to study the rest of the part. Study figure 7.22 carefully and compare your flower with the illustration and identify the stamen and pistil. सो आप इसी तरह अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, तो हम पढ़ने वाले पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्टेमेन. मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का है स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल. क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल. अब ये स्टेमेन कैसा दिखता है? स्टेमेन कैसा दिखता है? तो स्टेमेन समथिंग यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का दिखता है. अब स्टेमेन के पार्ट्स को भी लेबल करेंगे. स्टेमेन में ये जो नीचे आपको लाइन जैसा दिख रहा है, ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. क्या बोलते हैं? फिलामेंट. और ये जो ऊपर कुछ बट जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टेमेन. आपने मैंने क्लियरली बोला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सेवन स्टैंडर्ड में इन दोनों का पॉलिनेशन कैसे होता है पूरा प्रोसेस समझोगे. तो आप ध्यान रखना, जो ये वर्ड्स अभी बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, तो सेवन में वुड बी इजी. क्लियर? सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमेन. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल. अब स्टेमेन के सब पार्ट पढ़ते हैं. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड दिस ट्यूब इज नोन एज फिलामेंट. और जो ऊपर रहता है वो होता है एंथर. फिलामेंट, एंथर, स्टेमेन, पिस्टल, वर्ड्स नहीं लगनी चाहिए, इसको माइंड में फिट करो. क्लियर? अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा दिखता है? जस्ट अ मिनट. समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा स्टिकी पार्ट होता है, फिर यहां से एक ट्यूब जैसा होता है एंड हियर समथिंग लाइक दैट. ओके, तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है ऊपर जो स्टिकी पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिकी, स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट, स्टिग्मा. यहाँ पे आपको नहीं बोला स्टिकी पार्ट होता है, बट दिस इज अ स्टिकी मोस्ट पार्ट जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. और ये जो ट्यूब जैसा है इसको बोलते हैं स्टाइल. And this one is ovary. This one is ovary. ठीक है, तो ये क्या है? अपन ने पिस्टिल के बारे में पढ़ा. And this was about stem. दो पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, मेल इज स्टेमेन एंड फीमेल इज पिस्टिल. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, जो ट्यूब होते हैं विच इट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड ऊपर इज एंथर. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज पिस्टिल, पिस्टिल ना इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल. ये आपको एनसीईआरटी में पूछ सकते हैं. ये जो पिस्टिल है ना, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर का सबसे अंदर वाले हिस्से को आप पिस्टिल बोलते हैं. सो पूछे डैश इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो क्या लिखोगे? पिस्टिल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर. आप पिस्टल में तीन पॉइंट पार्ट, ऊपर वाला पार्ट विच इज स्टिकी पार्ट सिग्मा, फिर छोटा सा ट्यूब जैसा साइड एंड नीचे जो स्मॉलर पार्ट है वो है ओवरी. क्लियर? अब ओवरी के अंदर क्या होता है वो भी अपन को पढ़ना है. ठीक है, तो देखो ओवरी ऑफ द फ्लावर को हम स्टडी करेंगे. ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द पिस्टल. ये पर्टिकुलर पिस्टल का सबसे लोअर पार्ट और सबसे खुला स्मॉलर पार्ट कौन सा है? ओवरी. सिंपल. सो ओवरी इज
मोस्ट लोअर मोस्ट पार्ट एंड मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टल. दोनों में कंफ्यूज मत होना. विच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर? फ्लावर का सबसे अंदर का पार्ट है पिस्टल, और पिस्टल का सबसे इनर मोस्ट पार्ट या सबसे लोअर मोस्ट पार्ट या सबसे स्वॉलन पार्ट है ओवरी. अब क्या कर रहा है आपको एक्टिविटी 11 में, ओवरी को ना कट करना है. प्लांट की ओवरी को कट करना है दो तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल फिंगर और ट्रांसवर्स फिंगर. कैसे आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है उसमें ओवरी को सेंटर से कट करा है, और जो सेकंड फिगर है मतलब फर्स्ट हमने ओवरी को ऊपर से चीरा दिया है और सेकंड फिगर में सेंटर से कट किया है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सपोज एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिखता नहीं, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ. बीच में से चीरा गया लॉन्गिट्यूडनल और समथिंग लाइक दिस सेंटर में से चीरा दिया विच इज ट्रांसवर्स. ठीक है, तो इस तरह से ओवरी को कट किया. अब ओवरी को कट करने के बाद कुछ स्मॉल बीड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स. क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स. तो ओवरी के अंदर कुछ बीड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स. ठीक है, ओके. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, किसी की साइज कुछ, किसी की साइज कुछ. ठीक है, मेन जो अभी अपन ये वाला पार्ट पढ़ना पार्ट ऑफ द फ्लावर पूरे में अलग अलग तरीके से यही पता है. इसको क्लियर रखना वर्ड्स वापस समझा रही पूरा ध्यान. यहाँ पे दो पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, मेन पार्ट मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल. स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ये जो ट्यूब जैसा होता है फिलामेंट ऊपर एंटर. पिस्टल जो होता है, पिस्टल सबसे पहले आपको याद रखना है पहले की पहली बात कि पिस्टल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है. अब पिस्टल में तीन पार्ट होते हैं, ऊपर स्टिकी सब्सटेंस सिग्मा, बीच में स्टाइल एंड लास्ट में ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स, छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर. और ये भी ध्यान रखना ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. पिस्टल का सबसे निचला और फूला हुआ हिस्सा है ओवरी, और ओवरी के अंदर बीड जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स. कंफ्यूज मत हो जाना ओवरी और ओव्यूल्स में. ठीक है, ओके. सो ये चैप्टर है ना आपको फ्लावर के खाली पार्ट्स पता है, आगे जाके आपको बताएंगे फ्लावर्स में कैसे पॉलिनेशन और आगे का कंसेप्ट विच यू डोंट हैव टू पे अटेंशन राइट नाउ. मेन ये पार्ट्स को पक्का कर देना. ठीक है, सो अपना जो चैप्टर है आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अपने रूट्स के बारे में आगे कंटिन्यू किया और फ्लावर पढ़ा. ठीक है, सो बिफोर एंडिंग अवर सेशन आर आज के सब क्वेश्चन यू नीड टू आंसर. अगर आपके आंसर्स करेक्ट हो तो वेल डन, और नहीं आंसर आ रहा सो प्लीज वीडियो को अच्छे से रिव्यू करो. राइट, चलो लेट अस बिगिन. फर्स्ट वन, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव एनी मेन रूट एंड हूज ऑल रूट आर सिमिलर आर कॉल्ड डैश रूट. प्लांट्स दैट डू नॉट हैव एनी मेन रूट एंड ऑल द रूट्स लुक सिमिलर टू ईच अनदर आर कॉल्ड डैश रूट. And your time ends in 3, 2, 1. It is fibrous root. Clear? I hope aap sabne right answer diya ho. Next is just a minute. Achha, ekdam simple poochti hu. Which is the innermost part of the flower? Which is the innermost part of the flower? And your time ends in 3, 2, 1. It is pistil. Very good. Next. Which is the most prominent part in a bud? Which is like a small leaf-like structure? Which is the most prominent part in the bud? Which look like a small leaf-like structure? ये ना मैंने बताया था कि flower में कुछ leaf जैसा structure होता है, मैंने draw करके भी बताया था. Just give it a try and your time ends in 3, 2, 1. It is sepal. ये मैंने directly ये word नहीं use करे थे, मैंने फिगर के थ्रू ऐसा समझाया था. तो यू शुड बी क्वाइट अटेंटिव कि तुमको आए. राइट, चलो नेक्स्ट वन. व्हाट आर द स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इन द ओवरी कॉल्ड? व्हाट आर द स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इन द ओवरी कॉल्ड? एंड योर टाइम एंड्स इन 3, 2, 1. इट इज ओव्यूल्स. ओके, एंड द लास्ट वन फॉर द डे इज विच इज द मोस्ट स्वॉलन एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी. ओके, which is the most swollen and lower most part of the pistil? And your time ends in 3, 2, 1. And this, मैंने खुद ही आंसर बोल दिया था ओवरी, right? Okay, students, so we will be ending our session by this and continue with the next chapter in our next session.